अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है पेलेस्टीनियन काज आफ्टर अब्राहम्स अकॉर्ड या आफ्टर ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वाज। इस आर्टिकल की सबसे अहम बात यह है कि इसमें हेडिंग्स भी मौजूद हैं। जब आप इस क्वेश्चन पे यानी कि पेलेस्टीनियन काज पे आंसर लिख रहे होंगे तो आपको सिमिलरली यही हेडिंग्स आप जॉट डाउन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को इसी तरह से पुट डाउन कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए करंट अफेयर्स में पेलेस्टीनियन काज से मुतल्लिक। तो जो टाइटल है हमारे पास वो है गज़ा कतर एंड द यूएई, यहाँ पे अगेन कॉलन है, द अब्राहम्स अकॉर्ड आफ्टर ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वाज। अब्राहम अकॉर्ड क्या है जी? ये जॉइंट स्टेटमेंट है इसराइल, यूनाइटेड अरब इमारेट्स यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो कि रीच हुई है अगस्त 13, 2020 को। इसको पीस ऑफ दी डील ऑफ दी सेंचुरी भी कहते हैं। अच्छा जी, अगर हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करें तो थीसिस स्टेटमेंट है हमारे पास द अब्राहम अकॉर्ड सीम्स टू हैव नाइदर ऑब्फस्केटेड नॉट स्ट्रेंथन द पैलेस्टीनियन काज। जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था यूएई, यूएस और इसराइल के दरमियान, तो ऐसा नज़र आता है ना तो इसने कन्फ्यूज़ किया है या पज़ल किया है और ना ही इसने मजबूत किया है फ़लस्तीनियों के मकसद को। तो हम स्टार्ट करते हैं। द पोटेंशियल रिजल्ट्स ऑफ रीसेंट अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट फॉर पैलेस्टीनियन काज, जो नतायज हैं हाल ही में होने वाले अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट के फ़लस्तीन के मकसद के लिए, हैव बीन ए सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट डिबेट। ये बहुत ज़्यादा मुबहसे का सब्जेक्ट रहे हैं। मैनी सॉ द नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट दैट इसराइल साइंड विद द यूएई। बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट मुहैदा अकार्ड साइन किया गया इसराइल के साथ यूएई की जानब से, बहरैन, मोरक्को और सूडान की जानब से, अंडर द एजिज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी पेट्रोनेज बैकिंग सपोर्ट के अंडर, एज़ हैविंग द पोटेंशियल फॉर एडवांसिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस, कि ये पोटेंशियल होगा कि जो एग्रीमेंट है, मुआहदा है इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान, उसको एडवांस कर सकेगा। फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए, द एग्रीमेंट वर एविडेंस दैट देयर वाज नो नीड टू एंगेज रमाला टू एडवांस रीजनल पीस, के ये जो मुआहदा था ये सबूत था कि कोई ज़रूरत नहीं थी रमाला को अरेंज करने की, एंगेज करने की खित्ते में अमन लाने के लिए। रमाला क्या है जी? ये पैलेस्टीनियन कैपिटल सिटी है सेंट्रल वेस्ट बैंक में, जो कि लोकेट कर रहा है 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ यरूशलम में। एट दिस पॉइंट नीदर पॉइंट कैन बी प्रूवन इंटायरली ट्रू, कोई भी जो पॉइंट है उसको मुकम्मल तौर पे दुरुस्त साबित नहीं किया जा सकता। द एग्रीमेंट्स आर स्टिल टू यंग, अभी भी ये जो एग्रीमेंट्स हैं बहुत यंग हैं फॉर सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूसिव एनालिसिस, एक मुतमईन करने वाले तजिए के लिए। एंड दे आल डिफर इन स्कोप एंड कंटेंट, और इनका जो स्कोप है और कंटेंट है ये भी मुख्तलिफ है। हाउएवर द रीसेंट वायलेंस बिटवीन इसराइल एंड हमास, लेकिन हाल ही में जो तशद्दुद की एपिसोड हुई है इसराइल और हमास के दरमियान, विच कैन बी सीन एज द फर्स्ट रियल ट्रायल फॉर द एग्रीमेंट, जिसको देखा जा सकता है कि ये पहला ट्रायल है इस एग्रीमेंट का, नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट का, अब्राहम अकॉर्ड का, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि द रियलिटी इज़ समवेयर इन बिटवीन द टू आर्गूमेंट्स, के जो दोनों दलाइल हैं, क्या या क्या अब्फस्केट किया है या फिर स्ट्रेंथन किया है, तो जो हकायक हैं इनके दरमियान में कहीं पे मौजूद हैं। वाइल द एग्रीमेंट डू नॉट अपियर टू हैव अब्फस्केटेड द पैलेस्टीनियन काज फॉर नॉर्मलाइजिंग अरब स्टेट्स, जबकि ऐसा नज़र आता है कि जो एग्रीमेंट है उसने कन्फ्यूज़ नहीं किया है पैलेस्टीनियन के मकसद को नॉर्मलाइजिंग अरब स्टेट्स को। द एग्रीमेंट्स आल्सो डू नॉट अपीयर टू हैव एडवांस एनी न्यू मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़, और ये भी नज़र आता है कि जो मुआहदा था इसने कोई एडवांस नहीं किया नई या किसी मीनिंगफुल मौके को इसराइली और फ़लस्तीनी एग्रीमेंट के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल क्या था, ये टेस्ट था नॉर्मलाइजेशन का। द प्रोटेस्ट एंड वायलेंस इन जेरूशलम स्टार्टेड ऑन मई 7, 2021, मई 7, 2021 को जो एहतजाज थे और तशद्दुद था जेरूशलम में वो स्टार्ट हुआ। एंड ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स एंड द IDF ऑपरेशन, जो ऑपरेशन था गार्डियन ऑफ वॉल्स या इसराइली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन था, पर्टेनिंग टू रिजल्टिंग वायलेंस, इस जो वायलेंस था तशद्दुद के नतीजे में हमास और इसराइल के दरमियान, वर इन प्रैक्टिस द फर्स्ट टेस्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट, तो ये पहला टेस्ट था नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट का।
ड्यूरिंग द यरूशलम प्रोटेस्ट, जब यरूशलम में प्रोटेस्ट हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे और IDF फोर्सेस इंटर हुई अलक्सा मास्क में, तब जो UAE है, बहरैन है, सूडान है, मोरक्को है, उन्होंने हार्शली या सख्ती से क्रिटिसाइज़ किया था, तनकीद की थी इसराइल पे फॉर वट दे हैव डिस्क्राइब्ड एज इनफ्रिंजिंग ऑन फ़लस्तीनियन राइट्स, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ये वायलेशन है, ट्रांसग्रेसिंग है फ़लस्तीनियों के हकूक की, और जो अलक्सा की हॉलीनेस है, गॉडलीनेस है, उसकी जो पामाल किया गया है उसको। दिस क्रिटिसिज्म, ये जो तनकीद की गई है, यहाँ पे हमारे पास डबल कॉमास हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन करेंगे, और फोकस किया गया है इसको जेरूशलम में होने वाले इंसिडेंट्स पे, इवेंट्स पे, प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वायलेंस ऑन इसराइल, तो इस तशद्दुद की जिम्मेदारी इसराइल पे प्लेस की गई है, एंड एक्सप्रेस द अरब सिग्नेटरीज़, और ये एक्सप्रेस किया गया है अरब सिग्नेटरीज़ की जानब से सेंसिटिविटी को इंसिडेंट्स की, वाकियात की सिटी में, जो कि रिफ़्लेक्ट करता है सिमिलर एटीट्यूड था सऊदी अरेबिया का, जो कि सपोर्ट कर रहा था इन एग्रीमेंट्स को। अच्छा, सिग्नेटरीज़ क्या होती हैं? ए पार्टी दैट हैज़ साइन द एग्रीमेंट। लार्जली अगर हम लार्ज स्केल पे देखें, जो अरब सिग्नेटरीज़ हैं उनका रिएक्शन ये डिमांड करता है उनके अपने इंटरेस्ट को फ़लस्तीनियन के काज के बारे में, दैट द सिग्नेटरीज स्टैंड विद दम डिस्पाइट द सिग्नेटरीज न्यू रिलेशन विद द इसराइल, के ये जो ममालिक हैं ये फ़लस्तीनियों के साथ हैं बावजूद इसके कि उन्होंने इसराइल के साथ नए तल्लुक इस्तवार कर लिए हैं। नंदिलेस दीज कंट्रीज़ रिएक्शन टू इन स्विंग वायलेंस बिटवीन इसराइल एंड हमास वॉज आलमोस्ट इंटायरली डिफरेंट। जो इन ममालिक के रिएक्शन थे वायलेंस के ऊपर, इसराइल और हमास के दरमियान जो वायलेंस हुआ था उसके बारे में, ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थे। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल लें तो UAE ने कंडेम किया था इसराइल के एक्शन को ईस्ट यरूशलम में, लेकिन इन्होंने कंडेम नहीं किया, मजम्मत नहीं किया इसराइल की बम्बिंग को गजा स्ट्रीप में, बजाय इसके उन्होंने क्रिटिसाइज़ किए करते वो इसराइल को इसके एक्शन पर। जो मराठी न्यूज़पेपर है अल इतिहाद, उन्होंने ये दावा किया, क्लेम किया कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, ये मेटाफोर है जिसका मतलब है वायलेंट बिहेवियर प्रमोट्स अदर वायलेंट बिहेवियर, एंड द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू ब्लडशेड, और खून बहाने से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। द पेपर इंडिकेटेड इमरेटी सपोर्ट फॉर एनी मूव दैट वुड स्टॉप एस्केलेशन एंड प्रमोट रेस्ट्रेंट। तो ये पेपर क्या इंडिकेट कर रहा था, जाहिर कर रहा था UAE की सपोर्ट किसी भी ऐसे मूव के लिए जो मजीद एस्केलेशन को रोक देगा और जो रेस्ट्रेंट है, तहमुल है, मॉडरेट बिहेवियर है, सेल्फ कंट्रोल है, उसको प्रमोट करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है डिफ़िकल्टी इन कम्बैटिंग कतरी इन्फ्लुएंस इन गजा। द नॉर्मलाइजिंग अरब स्टेट्स लैक ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर इसराइल स्ट्राइक्स इन गजा। ये जो नॉर्मलाइजिंग अरब स्टेट्स थी और इनकी जो तनकीद में लैक था इसराइल के स्ट्राइक्स पे गजा में, एज़ वेल एज़ देयर लैक ऑफ वोकल सपोर्ट फॉर हमास, और जो हमास के लिए उनकी वोकल सपोर्ट भी नहीं थी, तो ये क्या जाहिर करती है? वाइल दीज कंट्रीज़ वांट टू अपीयर सपोर्टिव फॉर फ़लस्तीनियन काज रिट लार्ज। अगरचा ये जो स्टेट्स हैं ये फ़लस्तीन के मकसद के लिए सपोर्टिव नज़र आना चाहती हैं, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन वीकनिंग हमास, वो हमास को कमज़ोर करने में भी इंटरेस्टेड हैं। फॉर बहरैन एंड UAE, बहरैन और UAE के लिए, एज़ वेल एज़ नॉन सिग्नेटरी सऊदी अरेबिया, जो नॉन सिग्नेटरी सऊदी अरेबिया है उनका जो इंटरेस्ट है वो स्टेम करता है, प्रोड्यूस होता है उनकी इस डिज़ायर से, ख्वाहिश से कि वो कतर को कंट्रोल करने से रोकें, जो उनका डिस्कोर्स है डिबेट पे, इशू पे। कतर इंजॉयज़ एक्सटेंसिव ट्रस्ट फ्राम फ़लस्तीनियंस, कतर जो फ़लस्तीनियों का ट्रस्ट है, अहतमाद है, वो इंजॉय करता है। यहाँ पे कॉलन है, इसमें बताया गया है कि इट इज़ रिमेंबर्ड, इसको याद रखा जाता है कि ये पहली नेशन थी जिन्होंने फ़लस्तीन में फ़लस्तीन एम्बेसी ओपन की थी इनके कैपिटल में 1988 में, जब फ़लस्तीनियों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, और इनके जो हेड ऑफ़ स्टेट हैं उन्होंने विज़िट किया था गज़ा स्ट्रिप को 2 बार यासर अरफात की लाइफ टाइम में, और अगेन 2012 में जब हमास का रूल था। फर्दर मोर अगर हम देखें, दो इट हैज़ कास्ट ए रिफ्ट बिटवीन कतर एंड फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, जिसकी वजह से जो कतर और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है उनके दरमियान में रिफ्ट है, कन्फ्रंटेशन है, कन्फ्लिक्ट है। कतर इज़ ए कोर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर हमास कंट्रोलिंग गजा स्ट्रिप, कतर जो कोर सोर्स है उस फंडिंग का जो हमास कंट्रोल गजा स्ट्रिप को होती है। एंड बिकॉज इसराइल प्रेफर्स कतर टू फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, और इसराइल भी प्रेफर करता है, तरजीह देता है कतर को फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के ऊपर। इसराइल एंड कतर कोऑपरेट ओवर द डिलीवरी ऑफ देयर फिनंशियल सपोर्ट, इसराइल और कतर कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, ये जो फिनंशियल सपोर्ट है, एड है, सकर है, इसकी डिलीवरी के लिए। मीनिंग दैट कतर मेंटेन्स ए वर्किंग रिलेशनशिप विद बोथ हमास एंड इसराइल, इसका मतलब ये हुआ कतर के हमास के साथ और इसराइल के साथ वर्किंग ताल्लुकात हैं।
अब अगर हम देखें, हमास लाइकली टू डिमांड ए मोर सेंट्रल रोल इन फलस्तीनियन डिसीजन मेकिंग, हमास जो फलस्तीनी डिसीजन मेकिंग है इसमें ज़्यादा सेंट्रल रोल चाहता है। एट कैरो होस्टेड फलस्तीनियन रिकॉन्सिलिएशन टॉक्स, कैरो में जो हो रही, कायरा में हो रही हैं, जिसको होस्ट कर रहा है फलस्तीनियन रिकॉन्सिलिएशन टॉक्स को, कतर कुड ग्रो इट्स इन्फ्लुएंस इन फलस्तीनियन पॉलिटिक्स। तो कतर अपना जो इनका असर है, इन्फ्लुएंस है, क्लाउट है, स्वे है फलस्तीनियन पॉलिटिक्स में, उसको मज़ीद बढ़ा सकता है। बिकॉज ऑफ कतर स्ट्रॉन्ग टाइज टू हमास, क्योंकि कतर के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं हमास के साथ, एंड इट्स सपोर्ट फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड, और इनकी जो सपोर्ट है मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए, विद द यूएई व्यूज़ एज ए थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी, जिसको यूएई क्या देखता है उनकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा। इमारेटी लीडरशिप इट्स स्ट्रगलिंग टू कम्बैट स्ट्रॉन्ग कतरी इन्फ्लुएंस इन इसराइली फलस्तीनियन रिलेशंस, तो इससे जो इमारेट की लीडरशिप है वो स्ट्रगल कर रही है कम्बैट करने के लिए कतर के इन्फ्लुएंस को इसराइली फलस्तीनियन रिलेशनशिप में। एज पार्ट ऑफ द एफर्ट, इस अगर हम पार्ट को देखें एफर्ट के, द यूएई हैज़ प्रॉमिस टू हेल्प फिनांस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा स्ट्रिप आफ्टर ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स। जब ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स हुआ था उसके बाद यूएई ने ये वादा किया था कि वो गजा स्ट्रिप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से तामीर करने के लिए फिनंशियल हेल्प करेगी। बट इट इज़ स्ट्रगलिंग टू ट्रांसफ़र फंड्स टू गजा, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहे हैं फंड ट्रांसफ़र करने में गजा को, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हमास और कतर, कतर और हमास की इन्वॉल्वमेंट के बिना। टू डेट अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आता है कि जो $500 मिलियन जो कि इजिप्ट ने प्रॉमिस किए हैं डोनेट करने के लिए गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये एक्चुअली यूएई की मनी है जो कि अराइव कर रही है इजिप्शियन गुड्स की फार्म में और सर्विसेज की फार्म में गज़ा स्ट्रिप में। एज मैंशनड हाउएवर, यहाँ पे हाउएवर डबल कॉमास में भी है, डिस्कोर्स मार्कर भी है, पंक्चुएशन मार्क्स भी हैं जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट कतर विल रिमेन इट्स इन्फ्लुएंस इन गज़ा, तो कतर जो अपना असर व रसूख है गज़ा में उसको बरकरार रखेगा बावजूद इमरेटरी कोशों के। कतर इंजॉयज़ ए रिलेटिव एडवांटेज एज द फलस्तीनियन मोस्ट जनरस लॉन्ग लास्टिंग एंड कंसिस्टेंट डोनर नेशन। कतर को किस चीज़ का एडवांटेज है कि ये फलस्तीनियों का सबसे ज़्यादा जनरस, बहुत लंबे अरसे से और कंसिस्टेंट डोनर नेशन है, और हमास इसको साइड लाइन करना अलाउ नहीं करेगा, ख़ास तौर पर उनकी जो फेवरेबल मीडिया कवरेज है हमास को, यानी कि कतरी न्यूज़ सोर्स अल जज़ीरा की, उसको देखते हुए। मोरावर अगर हम मज़ीद देखें जो इसराइली व्यूज़ हैं फ़्लो ऑफ मनी के बारे में गजा में, एज़ ए रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट एजिटेशन, जो कि ज़रूरत है एजिटेशन को, कन्फ्लिक्ट को, कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए और स्टेबिलिटी को, इस्तेहकाम को प्रिजर्व करने के लिए, तो इसराइल कतर को देखता है एक हेल्पफुल इंटरेटी के तौर पर दैट कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर एतमाद किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। वन मोस्ट रिमेंबर दैट आफ्टर द ओस्लो कार्ड के बाद कतर वाज दी फर्स्ट नेशन, कतर वो पहली नेशन थी टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल, जिन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए, एंड फर्स्ट टू साइन ए नेचुरल गैस सप्लाई एग्रीमेंट विद इट, और ये पहली कौम थी जिन्होंने इनके साथ नेचुरल गैस सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया। ओस्लो कार्ड को हम देख लेते हैं क्या है। ओस्लो कार्ड है पेयर ऑफ एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इसराइल और फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। ओस्लो वन अकार्ड है जो कि वाशिंगटन में साइन हुआ था 1993 में, और ओस्लो टू अकार्ड है जो कि साइन हुआ था ताबा इजिप्ट में 1995 में। एज सच इमारेटी एफर्ट्स टू इनफ्रिंज ऑन कतरी इन्फ्लुएंस, तो जो इमारेट्स की काविशें हैं अंडरमाइन करने को, के लिए वीक करने के लिए कतर के इन्फ्लुएंस को, तो ये कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। द यू ए इज़ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप विद द फलस्तीनियन अथॉरिटी, यू ए के जो ताल्लुकात हैं फलस्तीनियन अथॉरिटी के साथ वो बहुत ज़्यादा मसाइल कुन हैं, और जो इनबिलिटी है, नाहली है इमारेटी होस्टेड फलस्तीनियन पॉलिटिशियंस की, जो कि एग्जाइल में है मोहम्मद दहलान, के वो एडमिनिस्टर कर सकें एड फंड्स को, और यू ए की जो एंटीपैथी है यानी कि हमदर्दी नहीं है हमास की जानब, मेक्स द यू ए अनएबल टू डिलीवर एड टू गज़ा, तो ये यू ए को अनएबल कर देती है कि वो गज़ा को मदद फराहम कर सकें फलस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। द यू ए इज़ रिजल्टिंग डिलीवरी ऑफ एड थ्रू इजिप्ट विल ग्रेटली डाउन प्ले द इमारेटी पार्ट इन गज़ाज़ रिकन्स्ट्रक्शन, तो यू ए की जो रिजल्टिंग डिलीवरी है इजिप्ट के ज़रिए, तो ये डाउन प्ले कर देगी इमारेटी पार्ट को गज़ा की दोबारा से तामीर में, और लेसन कर देगी, कम कर देगी यूएई की सिग्निफिकेंस को एवरेज फलस्तीनियन के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास चेंजिंग डायनेमिक इन वाशिंगटन,
तो बियॉन्ड द यूएईज कंसर्न्स अबाउट कतरी इन्फ्लुएंस इन पैलेस्टीनियन अफेयर्स, अगर हम इससे आगे देखें यूएई की जो तश्वीश है कतरी इन्फ्लुएंस के बारे में पैलेस्टीनियन अफेयर्स में, जो तमाम 4 अरब सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स जो कि रिलेट कर रही है नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट से, इज़ देयर रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो उनका क्या है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ताल्लुक है, एंड द प्लाडिट्स और तारीफ़ें हैं जो उन्होंने वसूल की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। नॉनदलेस विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑफिस, अब जबकि नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है ऑफिस में, जो पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफर किए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स की जानब से नॉर्मलाइजेशन के एक्सचेंज में, वो भी उन पे भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। वाइल द बिडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अनाउंस इट्स सपोर्ट फॉर द रीसेंट अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स, अगरचा के जो बिडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिक्लेयर की है अपनी सपोर्ट जो हाल ही में होने वाली अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है उसके लिए, इट रिमेंस टू बी सीन, ये अभी देखना बाकी है व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी विलिंग टू प्रोवाइड, के एडमिनिस्ट्रेशन क्या देने के लिए तैयार होगी इस अरेंजमेंट्स को प्रमोट करने के लिए इसराइल और इसके पड़ोसियों के दरमियान। एज ऑफ येट अगर अभी के लिए हम देखें जो मोरक्को और सूडान है उन्होंने फुली इंप्लीमेंट नहीं किया इन एग्रीमेंट्स को क्योंकि उन्होंने वो बेनिफिट्स रिसीव नहीं किए अभी तक जो कि ऑफ़र किए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स की जानब से इन एक्सचेंज ऑफ नॉर्मलाइजेशन टाइज। द रिटॉरिक दे हैव बीन यूजिंग सिंस साइनिंग द एग्रीमेंट, जो बयानबाजी उन्होंने इस्तेमाल की है एग्रीमेंट साइन करने के बाद, तो इस बात को वो वाजे करती है दैट देयर मोटिव वाज द डिविडेंड यूनाइटेड स्टेट प्रॉमिस्ड, के वो प्रॉफिट था जो कि यूएस की जानब से प्रॉमिस किया गया था और उनकी जो रियल डिज़ायर थी वो ये नहीं थी कि वो इसराइल के साथ अपने तल्लुकात कायम करें। एंड पर्टेनिंग टू यूए, और जब यूए की बात आती है तो बिडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टेम्प्रेरी फ्रीज था आर्म डील्स पे अबू धाबी के साथ वो भी लिफ्ट कर लिया है, बट इट्स स्टिल नॉट सर्टेन वेदर द यूनाइटेड स्टेट्स विल रियलाइज द रेस्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट्स, लेकिन अभी ये बात यकीनी नहीं है कि क्या जो दूसरी कमिटमेंट्स की थी यूनाइटेड स्टेट्स में क्या उन पे वो पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। दिस हेजिटेशन इन द प्रोविजन ऑफ यूएस बेनिफिट्स इन एक्सचेंज फॉर नॉर्मलाइजेशन, तो ये जो हेजिटेशन है हिचकिचाहट है यूएस की ये बेनिफिट्स या फायद प्रोवाइड करने की नॉर्मलाइजेशन के एक्सचेंज में, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं जो लार्ज रिडक्शन हुई है इसराइल की फेवर में जो कि इसराइल गैदर करता है एकुमुलेट करता है गार्नर करता है वाशिंगटन में। सम अमेरिकन एंग्री रिएक्शंस टू द ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स, क्योंकि कुछ अमेरिकन ने बहुत ही गुस्से वाला रिएक्शन दिया है ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स के ऊपर जिसमें प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेस भी शामिल हैं प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो ये उस प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है जो प्रेसिडेंट बिडन के ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स के की जो प्रीवियसली अनशेकेबल कमिटमेंट थी इसराइली सिक्योरिटी के साथ उसको कम करने के लिए। ऐसा कि इसराइल में नो लॉन्गर इन्जॉय द सेम इन्फ्लुएंस इन वाशिंगटन, और इसराइल भी वाशिंगटन में उस तरह का जो असर रसूख है उसको इन्जॉय नहीं करता दैट इट डिड बिफोर द अराइवल ऑफ बिडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये बिडन एडमिनिस्ट्रेशन के अराइवल से पहले करता था ट्रंप के दौर में। देयरफॉर इन एडिशन टू यूएई डिफ़िकल्टीज़, यूएई की जो मुश्किलात हैं उसके साथ साथ इन यूजिंग द एग्रीमेंट्स टू कम्बैट कतरी इन्फ्लुएंस इन गज़ा, कि वो इन एग्रीमेंट्स को इस्तेमाल करें कतरी इन्फ्लुएंस को कम्बैट करने के लिए, अरब सिग्नेटरीज टू द एग्रीमेंट्स आर लाइकली टू स्ट्रगल इन यूजिंग दैम एज ए बार्गेनिंग चिप विद द यूनाइटेड स्टेट, तो अरब सिग्नेटरीज अब इस एग्रीमेंट को यूज़ करने में बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करने में भी स्ट्रगल कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। द फ्यूचर ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड पैलेस्टीनियन काज गिवन ऑल द जॉकिंग ओवर रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स इन गज़ा, जॉकिंग होता है स्ट्रगल बाई एवरी अवेलेबल मीन्स, ये जो काविशें की गई हैं इन तमाम काविशों को देखते हुए रिकन्स्ट्रक्शन की गज़ा में, एनी वन हु थॉट नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स वुड एलिमिनेट द नीड टू एड्रेस द पैलेस्टीनियन इशूज़, जिस किसी ने यह सोचा था कि जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट हैं ये ख़त्म कर देंगे इस ज़रूरत को कि एड्रेस किया जाए फ़िलिस्तीनियों के मसाइल को, तो ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने मार्क को मिस कर दिया है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें वाइल रिमेनिंग रेलिवेंट द पैलेस्टीनियन काज इज़ लाइकली टू बिकम इंक्रीजिंगली फ्रैक्चर्ड एंड इनफेक्टिव, जो फ़िलिस्तीनियों का मकसद है वो मज़ीद फ्रैक्चर हो जाएगा और गैर मुसर हो जाएगा क्योंकि जो कंटिन्यूएशन है कतर और हमास के कंट्रोल की गज़ा के ऊपर ये एक ट्रेंड है जिसको इसराइल सपोर्ट कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं इसकी क्या वजूहत हैं कि यूएई के लिए जो पैलेस्टीनियन इशू है वो रेलिवेंट है क्योंकि उनको एडवांटेज लेवरेज नज़र आता है इसराइल के खिलाफ और एक पोटेंशियल एवेन्यू है बोनस पॉइंट का वाशिंगटन से हासिल करने के लिए। ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स और जो रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स की ज़रूरत है गज़ा में, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक अपॉर्चुनिटी को यूएई के लिए कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है असर है गज़ा में उसको इंक्रीज़ करे और साइडलाइन कर दे कतर को, विच हैज़ बिकम द मेन सोर्स ऑफ फिनांसिंग इन गज़ा सिविलियंस, जो कि फिनांस करेगा करने का गज़ा सिविलियंस को एक मेन सोर्स है।
नंदीलैस इसके बावजूद जो यू है वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता अपने मिशन में, क्योंकि रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूड डिवीजन हो सकती है वेस्ट बैंक और गज़ा के दरमियान, एट लीस्ट फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ़ यू ए। अगर हम यू ए के परस्पेक्टिव से देखें तो जो कतर का कोऑपरेशन है, ताउन है इसराइल के साथ मंथली ट्रांसफ़र ऑफ डोनर मनी के गज़ा को कंस्टिट्यूंट्स को, तो वो एक एफर्ट है सीमेंट करने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग सेपरेशन जो कि गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के दरमियान है। तो ये जो रियलिटी है, हकायक है, ये एम्पलीफाई करती है, इंक्रीज़ करती है, अगमेंट एस्केलेट करती है इस क्वेश्चन को, सवाल को कि क्या कतर का मोटिव क्या है इन्वॉल्वमेंट में गज़ा में, और ये स्ट्रेंथन करता है इस थ्योरी को इसराइली गवर्नमेंट की जो इंटेंशन हैं, इरादे हैं कि वो परपेचुएट करना चाहते हैं, कंजर्व प्रिजर्व करना चाहते हैं इंटरनल फ़िलिस्तीनियन सेपरेट को, जो उनकी अंदरूनी डिवाइड है उसको मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं, और कतर भी इसमें इन्वॉल्व नज़र आता है। एज सच दीज रिकॉर्ड्स हैव नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज इसराइल्स जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग। ये जो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उन्होंने इसराइल की जो जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग थी उसको भी तब्दील नहीं किया। एंड हैव नॉट क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ आर न्यू फार्मूला, और इन्होंने कोई मौके या नया फार्मूला भी नहीं क्रिएट किया फॉर एडवांसिंग ए पोलिटिकल प्रोसेस विद द फिलिस्तीनियन, फिलिस्तीनियन के साथ एक सियासी प्रोसेस को एडवांस करने के लिए। अगर हम मोरक्को, सूडान और बहरीन को देखें तो ये वाशिंगटन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बजाय फ़िलिस्तीनियन कास के, और जो अकॉर्ड है, एग्रीमेंट है, ऐसा नज़र आता है कि कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इसका नहीं होगा रीजन के ऊपर, क्योंकि जो इसराइल है वो ऑलरेडी पहले इंजॉय कर रहा है अच्छे ताल्लुकात यूएई के साथ, जो कि इंक्लूड करता है इनके साथ सिक्योरिटी के रिलेशनशिप भी, द पोटेंशियल इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द यूएई। ये जो मईशी, कमर्शियल और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है यूएई और इसराइल के दरमियान, देयर फॉर बी द ओनली मीनिंगफुल रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ये जो रिज़ल्ट है एक अच्छा नतीजा है सिर्फ एग्रीमेंट का, रिलेटिंग टू द इसराइल एंड फ़िलिस्तीनियन, जो कि रिलेट कर रहा है इसराइल और फ़िलिस्तीनियंस के साथ। तो हमने देखा कि इस एडिटोरियल में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिले, और हमने फ्यूचर भी देखा इन नॉर्मलाइजेशन, अब्राहम अकॉर्ड का और फ़िलिस्तीनियन कास का। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो चेंजिंग डायनेमिक है वाशिंगटन में, उसने इसराइल के लिए सपोर्ट रिड्यूस कर दिए। इसके साथ साथ यूएई भी स्ट्रगल कर रहा है कतरी इन्फ्लुएंस को कम्बैट करने में, और जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल था वो हमने ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स को देखा कि वो क्या है, एक टेस्ट है नॉर्मलाइजेशन का, और ये टेस्ट नाकाम होता नज़र आता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।